"Did you put your name into the Goblet of Fire, Harry?" Dumbledore asked calmly. "Harry! I protest!" "Harry, did you put your name in the Goblet of Fire?" "No, sir." जब मैंने हैरी पॉटर मूव से वीडियो बनाना शुरू किया था तब मुझे एक बात क्लियर थी कि गोब्लेट ऑफ फायर की ओपनिंग मैं इसी मीम के साथ करूंगा। और हालांकि आज के टाइम ये लाइन एक क्लासिक मीम बन चुकी है, बट इस मूवी के रिलीज के टाइम डंबलडोर को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि बुक्स में कैरेक्टर हमेशा काम एंड कंट्रोल मैनर में रहता है, फिर चाहे वो गुस्से में ही क्यों ना हो। एंड नाउ 30 फैक्ट्स एंड डिटेल्स अबाउट हैरी पॉटर एंड द गोब्लेट ऑफ फायर जो कि शायद तुम्हें पता हो। लाइक मूवी की ओपनिंग में हमें सबसे पहले नागिनी को दिखाया जाता है, बट इससे भी पहले इसे वार्नर ब्रोस के लोगो में भी दिखा दिया जाता है, जिसको बहुत से लोगों ने मिस किया होगा। एंड मूवी के शुरू में वोल्डेमोर के साथ हमें किलिंग कर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, नोन एज और ये नाम आबरा के डाबरा से इंस्पायर्ड है। और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अवाडा के डाबरा स्पेल को फर्स्ट टाइम इसी मूवी में यूज किया गया है, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि इस स्पेल को फर्स्ट टाइम लूसियस हैरी के किस चेंबर ऑफ सीक्रेट में यूज करता है। बट डोबी उसे पूरा बोलने ही नहीं देता। और इस मूवी के एंड होते होते वोल्डेमॉर्ट हैरी पे सभी अनफॉरगिवेबल कर्सेस को यूज कर देता है। 3 अनफॉरगिवेबल कर्स होते हैं, इंपेरियस कर्स, क्रूसिएटस कर्स एंड द किलिंग कर्स। किलिंग कर्स को वोल्डेमॉर्ट हैरी पे उसके बचपन में यूज करता है, और यहाँ पे उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है इंपेरियस कर्स, एंड लास्ट द क्रूसिएटस कर्स टू टॉर्चर हिम। नंबर 5, बार्टी क्राउच जूनियर को मूवी में जो टंग फ्लिप करते दिखाया जाता है तो ये बुक में नहीं है, बल्कि इसे एक्टर डेविड टेनेट ने अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज किया था। एंड सेकंड टास्क के बाद जब बार्टी जूनियर एज मूडी जब यहाँ अपने डैड यानी बार्टी सीनियर से मिलता है, तो उस टाइम बार्टी जूनियर की इसी टंग फ्लिप की वजह से उसका डैड उसे पहचान भी लेता है, या कह सकते उसे शक हो जाता है, क्योंकि बाप को पता होता है कि उसके बेटे को कैसी आदत है, जिसके बाद बार्टी जूनियर पोले जूस पोशन को पीता है ताकि उसकी डिस्काइज खराब ना हो। नंबर 7, यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट अपने डेथ ईटर्स को नाम से बुलाता है। लूसियस, जिनमें से लूसियस को सभी जानते ही हैं। उसके बाद क्रैब एंड गोयल ड्रेगो के दोनों फ्रेंड्स के फादर्स हैं, यानी कि मैलफॉय क्रैब एंड गोयल्स की फ्रेंडशिप पुश्तैनी है। एंड द लास्ट वन इज मैकनियर, वो एग्जीक्यूशनर होता है जिसने प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में बकबीक को मारा था, जिसको बुक में आइडेंटिफाई किया गया है बट इस मूवी में नहीं। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट हैरी को टच करते हुए कहता है, I can touch you now. तो एक्टर राल्फ फिनिस की फेवरेट लाइन है सभी हैरी पॉटर मूवीज में। नंबर 9, वेल जैसे कि फर्स्ट मूवी ऐसी वन एंड ओनली हैरी पॉटर मूवी है जिसमें हैरी को एक भी स्पेल कास्ट करते दिखाया नहीं गया, तो वैसे ही गोब्लेट ऑफ फायर ऐसी वन एंड ओनली हैरी पॉटर मूवी है जिसमें हरमाइनी एक भी स्पेल कास्ट नहीं करती। नंबर 10, जब फ्रेड एंड जॉर्ज एजिंग पोशन का यूज करके अपने नेम्स को गोब्लेट ऑफ फायर में डालने जाते हैं, तो उस टाइम हरमाइनी उन्हें बताती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इस सीन में हरमाइनी के हाथ में जो बुक होती है तो उस पर ट्राई विजर्ड लिखा होता है, जो बुक में भी ट्राई विजर्ड टूर्नामेंट के बारे में हो। और यहीं से इन्फॉर्मेशन पढ़ के हरमाइनी इन दोनों को बहुत ही कॉन्फिडेंस से बताती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, बूढ़े होने के बाद जब ट्विन ब्रदर्स लड़ने लगते हैं, तो उस टाइम फ्रेड जॉर्ज से कहता है, एंड डेथली होलो पार्ट 1 में जॉर्ज के कान कट जाता है। इसके बाद जब सेड्रिक अपना नाम गोब्लेट ऑफ फायर में डालता है, तो उस टाइम रोन उसे हाई करने की कोशिश करता है, बट सेड्रिक एक्सीडेंटली रोन को इग्नोर कर देता है, जिसके बाद रोन डिसअपॉइंटमेंट फील करता है जो उसके चेहरे से पता चलता है। और बाद में यही स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट रोन के गुस्से का कारण भी बनती है जब दोनों सेड्रिक एंड हैरी एज होगवर्ट्स चैंपियंस चुन लिए जाते हैं। एंड मूवी में हमें बार बार ये बताया जाता है कि ट्राइविजर टूर्नामेंट एक बहुत ही एक्सट्रीमली डेंजरस इवेंट है। Extremely dangerous tasks. Wicked. और इसलिए फर्स्ट टास्क के दौरान हमें यहाँ टेंट में एक फर्स्ट एड बॉक्स भी देखने को मिलता है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ पे मगल मेडिकल सप्लाई को भी ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो। नंबर 14, मूवी में रेजरेक्ट होने के बाद वोल्डेमॉर्ट अपनी छड़ी को अपने लेफ्ट हैंड से यूज करता है, हैरी से ड्यूल के टाइम भी, और पूरी फ्रेंचाइज में वोल्डेमॉर्ट ने ऐसा वन एंड ओनली टाइम किया है। और इस मूवी के एंड में वोल्डेमॉर्ट का सिर्फ छोटा सा ही रोल है, जिसकी वजह से राल्फ फिनिस ने अपने वोल्डेमॉर्ट वाले सभी सीन्स को सिर्फ 2 दिन के अंदर ही शूट कर लिया था। और इस मूवी में वोल्डेमॉर्ट को कैसे क्रिएट किया गया है तो वो मैंने अपने इस गोब्लेट ऑफ फायर बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल इफेक्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो इसे भी जरूर देखना। नंबर 16, मूवी में हमें ऐसे दिखाया गया है कि बोबैटन्स एक ऑल गर्ल्स अकेडमी है जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं, एंड डर्मस्ट्रैंग एक ऑल बॉयज अकेडमी जिसमें सिर्फ लड़के हैं, बट बुक में ऐसा नहीं है क्योंकि इन दोनों स्कूल्स में लड़कियां और लड़के के साथ में पढ़ते हैं, बिल्कुल हॉगवर्ट्स की तरह।
एंड विक्टर क्रम इस मूवी के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स में से एक होने के बावजूद भी मूवी में इसके सिर्फ दो डायलॉग लाइंस हैं, वो भी मूवी के एंड में हरमाइनी के साथ। जो कि टोटल 20 वर्ड्स के राउंड होते हैं। एंड मूवी में बबेटन्स एकेडमी के जो स्कूल यूनिफॉर्म्स दिखाई गई हैं, तो एक्चुअल में इन्हें 1976 में फ्रांस ओलंपिक टीम में पहनी गई वुमेन्स ओपनिंग सेरेमनी यूनिफॉर्म्स पर मॉडल किया गया था। नंबर 19। इस सीन में जब डंबलडोर एंड हैरी उसके ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम डंबलडोर के सामने इस ग्लास कैबिनेट में डेथली होलो सिंबल बना होता है। नंबर 20। इस न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन हैरी पॉटर एंड द ट्राइविजर्ड कप, तो इस टाइटल को जेके रोलिंग्स ने अपनी इस फोर्थ बुक के लिए भी कंसिडर किया था बिफोर नेमिंग इट हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर। नंबर 21। यहाँ ग्रेवस्टोन पे हमें वोल्डेमोर के पेरेंट्स के जो नाम देखने को मिलते हैं, तो इन्हें इस बुक में मेंशन नहीं किया गया, जिसके बाद ये नाम इस मूवी में जेके रोलिंग से पूछने के बाद ही ऐड किए गए थे। नंबर 22। यूल बॉल के दौरान जो सॉन्ग गाया जाता है, तो उसमें इन सभी क्रिएचर्स को मेंशन किया जाता है जो कि हमें प्रीवियस हैरी पॉटर मूवीज में देखने को मिले हैं। सबसे पहले लाइन में मेंशन होता है ट्रोल्स का, जिसे रोन एंड हैरी फर्स्ट मूवी में लड़े थे। देन उसके बाद एल्फ, जो कि हमें सेकंड मूवी में देखने को मिला था। उसके बाद यूनिकॉर्न, जिनको हम फर्स्ट मूवी से ही देखते आ रहे हैं। एंड लास्ट हिपोग्रिफ, बकबीक द हिपोग्रिफ इन थर्ड मूवी। नंबर 23। मूवी के शुरू से ही हमें दिखाया जाता है कि हॉगवर्ट्स के सभी स्टूडेंट्स सेड्रिक को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड थर्ड टास्क से पहले अगर तुम ऑडियंस में नोटिस करोगे, तो मेजोरिटी ऑफ बैनर येलो कलर के होते हैं इन सपोर्ट ऑफ सेड्रिक, और इसलिए एंड में सेड्रिक की डेथ हॉगवर्ट्स के लिए उतनी ही ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित होती है। और मूवी के एंड में सेड्रिक की डेथ के बाद कोई भी ट्राइविजर टूर्नामेंट को मेंशन नहीं करता, बट बुक में हैरी एंड सेड्रिक दोनों फर्स्ट प्लेस पे आते हैं। बट सेड्रिक के मरने के बाद हैरी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, एंड एज ए रिवॉर्ड उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। बट सेड्रिक की डेथ का बहुत ही ज्यादा गिल्ट होने की वजह से हैरी उन पैसों को सेड्रिक के पेरेंट्स को देने की कोशिश करता है, बट वो रिवॉर्ड मनी नहीं लेते, जिसके बाद हैरी उन पैसों को वीजली ट्विंस को देता है, जो कि आगे जाके उन पैसों से अपनी ये जोक शॉप ओपन करते हैं। नंबर 25। इस बात सीन के टाइम मार्टल पोलिज उस पोजिशन को मेंशन करती है। जो कि अर्ली फोरशैडोइंग होती है कि कोई तो हॉगवर्ट्स में पॉलीजस पोशन को यूज कर रहा है अपनी अपीयरेंस को बदलने के लिए। और एंड में वो होता है बार्टी क्राउच जूनियर। और एंड में जब मूडी ग्रेवयार्ड को मेंशन करता है, तो उस टाइम हैरी को मूडी पे शक होने लगता है। बट हैरी को ये शक इससे पहले ही हो जाना चाहिए था, जब मूडी वोल्डेमोर को डार्क लॉर्ड कहकर बुलाता है। What was it like? What was he like? Who? The Dark Lord. क्योंकि डेथ ईटर्स ही वोल्डेमोर को डार्क लॉर्ड कहते हैं। नंबर 27। इस सीन में हमें बताया जाता है कि फ्रैंक एंड एलिस लॉन्गबॉटम को बार्टी क्राउच जूनियर ने टॉर्चर किया था। I know for a fact this person took part in the capture and by means of the Cruciatus curse, torture of the Auror Frank Longbottom and his wife. Name! Give me the wretched name! Barty Crouch! Junior. But Order of the Phoenix में Neville बताता है कि उसके पेरेंट्स को Bellatrix ने टॉर्चर किया था। 14 years ago, a Death Eater named Bellatrix Lestrange used the Cruciatus curse on my parents. She tortured them. तो इनमें से सच क्या है? Well, ये दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि बुक्स में बताया गया है कि लॉन्ग बॉटम्स को डेथ ईटर्स के ग्रुप ने मिलकर टॉर्चर किया था, जिनमें होते हैं पार्टी क्राउच जूनियर, बेलाट्रिक्स एंड रोडल्फ लेस्ट्रेंज। नंबर 28। मूवी में हमें सिर्फ हैरी को ही उसके ड्रैगन के अगेंस्ट बैटल करते दिखाया जाता है, बट बाकी इन तीनों ने अपने ड्रैगन्स को कैसे हराया, ये हमें मूवी में दिखाया नहीं जाता। इसको बुक में रिवील किया गया है, जिसमें सेड्रिक ट्रांसफिगुरेशन स्पेल का यूज करके एक पत्थर को डॉग में चेंज करके अपने ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करता है। फ्लर डेलाकोर अपने ड्रैगन को सुलवा देती है एन्चेंटमेंट की मदद से। एंड विक्टर क्रम अपने ड्रैगन को कंजंक्ट वाइटस कर्स का यूज करके उसे ब्लाइंड कर देता है। नंबर 29। बहुत से हैरी पॉटर फैंस को भी ये बात पता नहीं होगी कि हैरी पॉटर एंड गोबलेट ऑफ फायर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है फॉर बीइंग द फास्टेस्ट सेलिंग डीवीडी ऑफ ऑल टाइम। 2006 में रिलीज के दिन इस मूवी की डीवीडीज यूके में पर सेकंड 6 से भी ज्यादा कॉपीज बिकी थी, एंड यूएस में पर डे 5 मिलियन कॉपीज। एंड फास्टेस्ट सेलिंग डीवीडी ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आज भी हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर नंबर 1 पे है। नंबर 30।
वेल, जैसे कि ट्राइविजर टूर्नामेंट के फर्स्ट टास्क में ड्रैगन्स के साथ फाइट करते दिखाया गया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मूवी के एंड क्रेडिट्स में ये डिस्क्लेमर भी दिया गया है, नो ड्रैगन्स वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस मूवी। और इन सभी फैक्ट्स एंड डिटेल्स के बाद इस मूवी में वोल्डेमॉर्ट को कैसे क्रिएट किया गया, ट्राइविजर टूर्नामेंट में ड्रैगन फाइट एंड अंडरवाटर सीन्स को डेनियल रेडक्लिफ ने कैसे परफॉर्म किया, ये सब तुम्हें मेरी इस हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर की बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल इफेक्ट वाली वीडियो में जानने को मिलेगा। सो डोंट मिस इट।